चलो शुरुआत करते हैं। तुम लोग को एक छूट गया है जो पढ़ाना है, बहुत जरूरी है। लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखो बाबू वर्क एनर्जी थ्योरम। हिंदी बता रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या बोलेंगे? कार्य ऊर्जा परिमेय। क्या बोलेंगे? कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय। ठीक है, कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता देखेंगे। कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय क्या है? चलो दिखाते हैं, पहले समझा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद लिखा देंगे। हो गया ना? क्या लिखा है बोलो? कार्य ऊर्जा परिमेय। चलो आओ, ठीक से आराम से। तुम लोग क्लास ज्वाइन किया था कल 7 बजे? रोहित, तू खाली घूमो, समझा ना, तेरा से कुछ नहीं हो सकता है, हमको कंफर्म पता है। क्या है कि नहीं है? हाँ, कहाँ एमबी देखे, कुछ दूसरा देख के खत्म कर देते। रिचार्ज करो 119 का, कितना 119 में आ जाता है? 20 दिन का 20 दिन, 14 दिन होता है, 14 दिन का। अब तू बहुत लेट से नहीं आ रहा है, मेरा भी मन कर रहा है घुसने नहीं देंगे अब। हाँ? लो देखो, लोड़ो मत बेचारा पीट देगा रे, कुछ बोलो नहीं। आजकल लड़का लोग एकदम अजीब टाइप का हो गया, एकदम तुरंत गुस्सा जाता है, एकदम धाई से। कहाँ गुस्साते हम गुस्साते नहीं है। हम क्लास में एक लड़का को कुछ दिन बोले तो इंग्लिश बेच में डांट दिए थे, पूरा फायर हो गया। हम लोग कॉलेज में रोज डांटते, रोज पढ़ ली, हम ऑलरेडी लेट से जाते हैं, मेरा लेट हो जाता है, हमको रोज डांटते हैं, रोज। उसको निकाल दिए उन लड़का को क्लास से बाहर। काहे? ठीक है, चल जाना तुम, आज जल्दी खत्म हो जाएगा। लिखो वर्क एनर्जी एंड, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है ना। कार्य ऊर्जा परिमेय कहता है, गौर से सुनना, कि सभी बल के द्वारा किया गया कार्य, सभी बल के द्वारा किया गया कार्य। क्या बोल रहे हैं? सभी बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लिखो सभी बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, है ना। हिंदी लिखो ना तुम लोग, लिखो सभी बल के द्वारा किया गया कार्य। लिखा सभी बल के द्वारा किया गया कार्य, याद रखना, सभी बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सभी बल के द्वारा किया गया कार्य, सभी बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, सभी बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। चलो गौर से सुनो, सभी बल के द्वारा किया गया कार्य बोला है ना, तो यहां लिख सकते हैं सभी बल के द्वारा किया गया कुल कार्य बोल सकते हैं। देखो तो इसका मतलब है सभी बल के द्वारा किया गया कुल कार्य, है ना, कुल कार्य। तो कुल कार्य किसके बराबर होगा बाबू, जल्दी बताओ। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज बोलो ऊर्जा में बोलो परिवर्तन, परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है बोलो, बराबर। आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखो सभी बल के द्वारा किया गया कार्य मतलब W, बोलो हाँ या ना, और परिवर्तन का मतलब पढ़ाएंगे डेल्टा E, याद है।
परिवर्तन का मतलब क्या पढ़ाएंगे, डेल्टा आई। या तो ये प्रूफ करेंगे या फिर ये प्रूफ करेंगे। बोलो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो ई टू माइनस ई वन लिख सकते हैं ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू का मतलब, ई टू का मतलब होगा वन जो वन बाई टू एम भी स्क्वायर। बोलो होगा, भी का मतलब अंतिम भी, बोलो है ना। और माइनस यहां लगाएंगे वन बाई टू एम यू का होल स्क्वायर, यू का मतलब प्रारंभिक। तो अंतिम गति ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसी को क्या कहता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो सभी बल के द्वारा किया गया कुल कार्य W गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा परिमेय। कोई दिक्कत है नहीं, लिख लो। जो हम पीछे न्यूमेरिकल कराए ना वही से प्रैक्टिस कर लेना, वही से आता है एग्जाम में, ठीक है। वन मार्क्स में कैसे नहीं पूछेगा, मल्टीपल चॉइस में छोटा छोटा पूछेगा ही पूछेगा। हम जैसा देंगे वैसे टाइप का, उसी टाइप का आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, बता देगा। अरे वहाँ हिस्ट्री का गजब आदमी है वो, जो एग्जामिनर हॉल में जो एग्जाम लेता है उन लोग को पूछता है, वो खुद हिस्ट्री का टीचर रहता है, उसको क्या पता फिजिक्स का आना लेना देना है, क्या रहता है। बोलो भाई, बोलता है ए बी सी कुछ मार दो, अभी मार देता है फुटबॉल कहीं। थोड़ा सा पढ़ के मारना, एकदम सिंपल सिंपल आता है सवाल, ज़्यादा टफ नहीं होता। तुम लोग का तुम लॉलीपॉप आता है, लिखा है यहाँ तक। हो गया, मिटा दे इसको। सुनो गौर से सुनो, इसको थोड़ा प्रूफ देख लो, बहुत सिंपल है। ए यहाँ देखो ना, मान लो ये सरफेस है और मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। इस वस्तु का क्या है, प्रारंभिक वेग u है। अरे बोलो हाँ, ये ना हमारे इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। इस पर लगाया गया बाहरी बल F। तो इसका मान लो कि प्रारंभिक बल क्या है, u है। अरे बोलो हाँ, ये ना प्रारंभिक बल u है, इस पर F बल लगाया गया, तो ये और गति करेगा, इसका वेग बदलेगा। बोलो हाँ, ये ना वेग बदलेगा मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा में। मान लो ये घिसक के यहां से यहां तक आया, इसका विस्थापन कितना है, मान लो s। इसका विस्थापन क्या है, s। इस पिंड का द्रव्यमान m ही होगा, लेकिन इसका वेग जो हो जाएगा बदल के v हो जाएगा। इसका वेग बदल के क्या हो जाएगा, v। बोलो कोई दिक्कत है, तो सीधे यहां लिखो माना की करके लिखो, माना की हाँ दिखा देते, टेंशन मत लो। u का मतलब लिखो, लिखो वस्तु का प्रारंभिक वेग। प्रूव कर दे रहे हैं, है ना। लिख लिया, यू का मतलब क्या लिखा, बोलो प्रारंभिक वेग। भी का मतलब लिखो, भी का मतलब अंतिम वेग। एम इक्वल टू पिंड का द्रव्यमान, एम इक्वल टू क्या है, स्मॉल एम इक्वल टू है पिंड का द्रव्यमान है। स्मॉल एम इक्वल टू क्या है, पिंड का द्रव्यमान है। बहुत अच्छा, स्मॉल एम इक्वल टू क्या है बाबू, पिंड का द्रव्यमान है। उसके बाद F तो बाहरी बल है, सीधे लिखा देते हैं F इक्वल टू क्या होता है, m, a इक्वल टू क्या होता है, F बाय m, याद है ना। अरे पढ़ा होगा F इक्वल टू m a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, F बाय m, क्या हो जाएगा बोलो, पिंड का त्वरण। लिख लो पिंड का त्वरण या फिर पिंड में उत्पन्न त्वरण, जो लिखना। लिखाते तो है, इस तरह करके सब में थोड़ी लिखाता है, मतलब ई वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, इसलिए सब लिखा दे रहे। उसमें भी लिखाते होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखाते। चलो तुमको हिंदी लिखना है ना, पूछ लेना हमसे, ठीक है, ठीक है।
हिंदी जो लिखना रहता है थोड़ा पूछ लेना। अभी तुम लोग बोले ना नया है मार्केट में, अभी तो एक महीना हो भी किया पढ़ा हुआ, और ऊपर से बीच में आके पढ़ रहा है। तुम शुरू से तो पढ़ा नहीं है, शुरू से पढ़ता तो समझ में एकदम बेहतरीन आता। समझ रहा है कि नहीं? उन लोग भी पूछो, उन लोग शुरू से, उन लोग को समझ में आ रहा होगा क्या है कि नहीं है? बीच में घुसेगा तो कैसे समझ में आएगा? थोड़ा टाइम लगेगा ना भाई, और ऊपर से भी नया नया, नाइन टेन में तो कुछ पढ़ा नहीं है ठीक से। बुलाए ना, उधर रट के पूरा पास हुआ, कोरोना में और नहीं पढ़ा, तो एक बहाना मिल गया होगा क्या है कि नहीं? थोड़ा सा समय लगेगा एडॉप्ट करने में सब चीज। अब एडॉप्ट का मतलब समय रहा है ना, उठाना थोड़ा समय लगेगा, समय रहा ना, लेने में थोड़ा टाइम लगे, टेंशन मत लो, लेकिन आएगा समझ में तो बढ़िया आएगा। यू का मतलब समझ में आ गया प्रारंभिक में, भी का मतलब अंतिम में, एम इक्वल टू पिंड का द्रव्यमान, ए इक्वल टू पिंड का त्वरण। कोई दिक्कत है? हमको क्या निकालना है? वस्तु को यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य, क्या निकालना है? कार्य। तो बोला सभी बल के द्वारा, जो जो बल है सभी बल के द्वारा किया गया कार्य, हमको कार्य ही निकालना। क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है, इसी को क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा परिमेय। क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा। तो हम लोग यहाँ चुपचाप क्या निकालेंगे? किया गया कार्य। वस्तु को यहां से यहां तक घिसकने में किया गया क्या निकालेंगे? कार्य। अपने आप आ जाएगा किसके बराबर? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो हम लोग जानेंगे, यही समझेंगे कि जब कोई वस्तु एक जगह से घिसक के दूसरा जगह पर आता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य गति ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा परिमेय। क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा परिमेय। तो हम लोग को निकालना क्या है? किया गया कार्य। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? तो सीधे लिखो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य या वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य। लिखो अतः करके, अतः लिखो ना, अतः वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य, अतः वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य, अतः वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य। लिखा याद है? हाँ, वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य। लिखो गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति के कौन सा समीकरण? लो तीसरा। याद करो वहां पर भी गति ऊर्जा प्रूफ कर दिए तो तीसरा समीकरण ही यूज किए थे। तो यहाँ तीसरा समीकरण से बोलेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है? टू ए एस। कोई दिक्कत है? अब एस का मतलब सबको पता है विस्थापन होता है। यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, बोला हाँ ये ना। ए का मतलब कितना होगा बाबू? एफ बाय एम और इंटू क्या लिखेंगे? एस। कोई दिक्कत है? तो हो गया यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होगा? टू एफ और इंटू क्या होगा? एस, और नीचे में क्या होगा? एम। इस m को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2f और into s और भाई क्या होगा बोलो? m। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब गौर से सुनना, इधर लिख देते हैं हम, तो लिखेंगे आप v m को मल्टीप्लाई करते, समझ जाएगा? तो m इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया बोलो m v स्क्वायर, बोला हां ये ना, और माइनस क्या होगा? m u स्क्वायर होगा ना, और इक्वल टू कितना है बाबू? 2f और into s, बोला हां ये ना। तो f और into s मिलके क्या बनता है? w, याद है ना, पढ़ाए थे कि नहीं? W इक्वल टू क्या होता है? F और इंटू एस, लिख लेना थोड़ा सा। तो यहाँ W लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2, और यहाँ क्या लिखेंगे? W। इसको पलट के लिख सकते हैं, 2W इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? एम वी स्क्वायर माइनस क्या होगा? एम यू स्क्वायर। अब इसको W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एम यू स्क्वायर। ये क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और ये क्या है? किया गया कुल, इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। उतार ये छूट गया था थोड़ा सा, वहां पे पढ़ाना चाहिए था, मिस हो गया था, पढ़ लो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया?
चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको देखते हैं अब, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोलो, शक्ति ऊर्जा पढ़ा दिए थे, शक्ति और ऊर्जा पढ़ा दिए थे, और दो चार फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है वहां से, ठीक है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला चार ऑप्शन में दे देगा और पूछ देता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा नहीं देते, हम डिराइव कर देते बढ़िया से, ठीक है ना। हालांकि तुम लोग 10 क्लास में थोड़ा पढ़ाओ, अब जो पढ़ा होगा ना बेसिक चीजें 10 क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी। चलो ठीक, कौन है वही है। चलो कोई बात नहीं। सुनो, तुम लोग को हम कुछ कुछ फॉर्मूला शक्ति में पढ़ाए थे। शक्ति यानी कि पावर, P इक्वल टू होता है W बाई T, याद है ना। किसी वस्तु के, सॉरी ऐसे बताएंगे, किसी यंत्र के द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को उस यंत्र की क्या कहते हैं, शक्ति। इकाई समय में किया गया कार्य या फिर खर्च की गई ऊर्जा, यही पढ़ाए थे ना। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला और निकाल दिए थे। P इक्वल टू जैसे बोले थे F, याद है ना, S बाय T, S बाय T इक्वल टू बन जाता है वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला होता है। अरे बोलो, हाँ, या ना। और भी जैसे फॉर्मूला पढ़ाए होंगे हम, P इक्वल टू बोलो W की जगह लिख रहे थे बोलो MGH, ये ऊपर उठाने वाला केस था, MGH बाय क्या था बोलो T, इस तरह करके शक्ति हम लोग निकालते थे। और भी फॉर्मूला पावर का होता है, और तीन फॉर्मूला होता है पावर का जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब तो चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो गौर से सुनो। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या प्रवाहित किया जाता, पढ़े होंगे क्लास 10 में, जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तार अपने आप गर्म हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं बोलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या कहा जाता है, यानी कि बोल सकते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब कहने का मतलब जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपने आप क्या होता है बोलो, गर्म हो जाता है, समझ में आ गया, अपने आप क्या होता है बोलो, गर्म हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद है, नहीं याद है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और भी बहुत सारा पावर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, P इक्वल टू वी आई पढ़े थे क्या, याद आ रहा है। और भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, याद आ रहा है, मतलब पढ़ा नहीं है, पढ़ना चाहिए था। ये सब नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, नोट करो NOT। हाँ तो आप पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे, हालांकि क्लास 12th में भी इसको पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से जल्दी पढ़ो, जल्दी फटाक से इसको लिखो, लिखो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, या फिर ऐसे लिखो ना, सीधे लिखो, लिखो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है, क्वेश्चन करके लिखो, क्वेश्चन है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक में क्या प्रवाहित किया जाता है बोलो, धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न, तो उसमें उत्पन्न, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न उष्मा के व्यंजक को प्राप्त करें, तो उसमें उत्पन्न उष्मा के व्यंजक को प्राप्त करें, तो उसमें उत्पन्न उष्मा के व्यंजक को प्राप्त करें, उसमें उत्पन्न बोलो उष्मा के व्यंजक को प्राप्त करें। उष्मा का व्यंजक का फॉर्मूला क्या था वो ब्रैकेट में लिख लो, H इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल कितना होता बोलो, आई स्क्वायर आर टी होता है, उष्मा का व्यंजक होता है। किसी चालक में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो उष्मा पैदा होता है वो कितना होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर, समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, समझ में आ गया कि नहीं। जब भी धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म हो जाता है, टीवी पंखा फ्रिज गर्म नहीं होता है, पंखा घुमा घुमा हीट नहीं हो जाता है, तो हीट इस फॉर्मूला से होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलो प्रूव करके दिखाते हैं, है ना। मान लो यहां पर मेरे पास एक चालक है, मेरे पास क्या है बोलो, चालक, और इस चालक से मान लो क्यू धारा पर, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा, आवेश मतलब पढ़े होंगे ना, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है बोलो, क्यू, पढ़े होंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी ना, ये भी बताना पड़ेगा, आई इक्वल टू क्या पढ़ेंगे बोलो, क्यू बाई टी पढ़ा होगा। विद्युत धारा क्या है, इकाई, छोड़ो अभी डिफिनेशन, सीधे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो कैपिटल टी ले लेते हैं, मान लो
आवेश को यहां से यहां तक आने में मान लो कैपिटल टी टाइम लग रहा है, तो आई इक्वल टू पढ़े होंगे क्यू बाई टी, तो यहाँ क्यू इक्वल टू होता है बोलो आई और इंटू टी, इसे पढ़ा होगा। चलो अब मान लो किसमें से आई धारा प्रवाहित होगा तो हीट हो जाएगा, अरे बोलो हाँ ना। तो फटाफट देखो, मान लो इस चालक के दो सिरों का बीच का विभवांतर भी है, इस चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर भी है, फटाफट लिखो माना की करके लिखो माना की, सब बता एच उष्मा है, उष्मा हीट लिखा, माना की लिखा ना, हम सब लिखा देते, टेंशन मत लो, लिखो लिखो आई लिखो क्यू इक्वल टू, सबसे पहले क्यू को लिखो आवेश, चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश, ये फिर आवेश लिखो ना सीधे, क्यू इक्वल टू क्या है आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है कूलम, कल बता रहे थे शाम को। उसके बाद बताओ आई क्या बाबू, धारा है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा है, आई इक्वल टू क्या है चालक से प्रवाहित होने वाली धारा है, बहुत अच्छा। आर क्या है बोलो तो हाँ? आर है प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध है। भी इक्वल लिखो है विभवांतर है, भी इक्वल क्या है विभवांतर है, भी इक्वल क्या है बोलो विभवांतर, और एच क्या है चालक में उत्पन्न ऊष्मा, एच क्या है चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, समझ में आया, इस पिक्चर को ड्रॉ करो सर। तो चलो बात करते हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा कैसे पैदा होता है, लिखो छापो साइड में, छापा नीचे 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 छापा, ये पिक्चर तो छापो ना, छोटका मोटका तो नहीं है, कितना टाइम लगेगा, इससे पास होने वाला करंट हम कितना बोले बोलो आई बोले कैपिटल आई है ना, वो तो हम लिखा दिए यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं अब, इसका काम खत्म। अब बोलो ऊष्मा कैसे पैदा होगा, गौर सुनो, जब आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है, अरे तब से समझा रहे हैं यार, ऊर्जा का मतलब भी किया गया कार्य और ऊष्मा का मतलब भी किया गया कार्य, ऊष्मा तभी पैदा होगा जब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा, अरे बात समझ में आया ना, समझा कि नहीं, तो यानी कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पड़ रहे हैं, ऊष्मा पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आवेश को किसको, चालक के एक सिरे से दूसरा सिरे तक, चालक के एक सिरे से दूसरा सिरे तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य, क्या बोले सुनाई दे रहा है, वही किया गया कार्य चालक में ऊष्मा के रूप में संचित या फिर ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, जो कार्य करता है वही किया गया कार्य किसमें बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है, मतलब चालक को यहां से यहां तक जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही किया गया कार्य किसमें बदल जाता है बोलो, ऊष्मा में बदल जाता है, जैसे तुम दौड़ा दौड़ा गर्म हो गया, समझा ना, तो दौड़ने में जो कार्य किया वो किसमें बदल गया, ऊष्मा में, समझ में आ गया, तो उसी तरह आवेश को यहां से यहां तक दौड़कर जाने में जो कार्य करना पड़ा वो किसमें बदल गया, ऊष्मा, तो किया गया कार्य ही किसमें बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता, मतलब एच में बदल जाता है, बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आया, किया गया कार्य किसमें बदल जाएगा, एच में बदल जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, किया गया कार्य, आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य, कोई दिक्कत, लिखो लिखो चालक को सॉरी आवेश को, आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लिखो आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक है ना जाने में किया गया कार्य, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य। गौर से सुना यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएगा, हम बता रहे हैं, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा विभवांतर के बारे में, किसके बारे में पढ़ा है क्या, हाँ ठीक है भूल गया तो बहुत अच्छी बात है ना, देखो तो विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, विभवांतर इक्वल होता है डब्ल्यू बाई क्यू, क्या होता है बोलो डब्ल्यू बाई, थोड़ा याद रखना, डब्ल्यू का मतलब होता है किया गया कार्य और क्यू का मतलब होता है आवेश, समझ में आ गया, W इक्वल टू क्या होता है किया गया कार्य और इंटू क्या होता है आवेश, तो हमको आवेश के द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा W इक्वल टू V और इंटू Q, तो आवेश के द्वारा, आवेश के लिए पढ़ा रहे हैं ना,
आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कुल कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो डब्ल्यू इक्वल कितना होता है बाबू, वी और इनटू क्यू। तो वी क्या है, विभांतर है। वी क्या है, विभांतर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं विभांतर, बोला हाँ या ना, हाँ वोल्टेज बोलते हैं, इसका यूनिट वोल्टेज होता है। तो विभांतर को बोलेंगे वी और आवेश को क्या बोलेंगे बोलो, क्यू। कोई दिक्कत है, तो यहाँ डब्ल्यू, यहाँ लिखेंगे वी, और यहाँ देखो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू की जगह आई और इंटू टी, आई और इंटू कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी लिखना चाहिए, यहाँ कैपिटल टी माने थे, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है, आई और इंटू क्या लिखे बोलो, टी, कोई दिक्कत है, चलो उतारो यहाँ तक। लिख लिया, चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक में ओम्स लॉ आएगा, क्या आएगा बोलो, पढ़ाए ओम्स लॉ, लिखो ओम के नियम से, पढ़ाए ओम का नियम, क्या होता है ओम का नियम, चलो रोहित वहां खड़ा हो जाओ, हाँ बोलो ओम्स लॉ बोलो, ओम्स लॉ नहीं जानता है, है? नेट क्लास में कौन मुस्कुराई थी याद होगा है कि नहीं है, सही बोल रहे कि नहीं, बहुत अच्छा, एट क्लास वाला याद होगा, लेकिन यहाँ टेन क्लास वाला याद नहीं हो, बैठ जा चलो। ओम का नियम होता है, देखो सुना नियतता, हंसने लगा तुम लोग, मतलब सबको याद आ गया क्या, वाह वाह, देखो यहाँ नियत ताप पर, कौन सा ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभांतर चालक से बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। कितना सिंपल, कुछ नहीं बोलना था, खाली खड़ा होके ही बोल देना था, लो हो जाता, बोला ना भी समानुपाती आई, भी का मतलब विभांतर, आई का मतलब धारा, जब भी समानुपाती हटाते थे कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और कांस्टेंट के रूप में आएगा आर, आर को बोलते थे चालक का प्रतिरोध, तो भी इक्वल टू आर आई, कोई दिक्कत है, भी का मान पुट कर देंगे यहाँ, इसको समीकरण एक मान लो, जल्दी लिखो, ये रखना, ये कंडीशन कब के लिए रहता है बोलो, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, T इक्वल टू क्या रहता है बोलो, कांस्टेंट, T का मतलब यहां क्या समझो, टाइम नहीं समझना, टेम्परेचर, हाँ बाबू एट मतलब पर होता है, कांस्टेंट, CONST, और पूरा कंप्लीट कर दे क्या, समझ जाएगा ना, शॉर्ट में लिखाता है, लिख लिया, लिखो भी का मान समीकरण एक में रखने पर, एट टी का मतलब यहाँ टेम्परेचर समझना, और कांस्टेंट इसका मतलब कांस्टेंट होता है, लिखो भी का मान कहाँ रखने पर बोलो, समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रख दिया, बहुत सिंपल है, समीकरण एक में रखा तो, लिखा कि नहीं जल्दी बताओ, तो भी का मान समीकरण एक में लिख देंगे तो किया गया कार्य आएगा, देखो भी इक्वल टू यहाँ डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे आर आई, तो यहाँ लिखेंगे आर आई, बोलो हाँ या ना, और यहाँ एक ऑलरेडी आई है और यहाँ टी है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो, तो आई स्क्वायर आर टी, आया कि नहीं आया, आई स्क्वायर क्या है, यही किया गया कार्य, यही किया गया किसमें बदल जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कोई दिक्कत है, लिखो बाद में ब्रैकेट करना, लिखो लास्ट में, लिखो यही किया गया कार्य, नीचे
लिखो यही किया गया कार्य लिखा यही किया गया चालक में उष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यही किया गया कार्य चालक में उष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है लिखो अतः चालक में उत्पन्न उष्मा, अतः चालक में उत्पन्न उष्मा, तो यही W किसमें बदल जाएगा उष्मा में, तो H को अतः चालक में उत्पन्न उष्मा H इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी समझ में आ रहा है? तो है किया गया कार्य, किया गया क्या है कार्य है, कोई दिक्कत है? चलो तो ध्यान रखना ये भी फॉर्मूला ना 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 अभी नहीं लिख लिया H इक्वल टू आई स्क्वायर क्या लिख लिया कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? ये है क्या H इक्वल टू आई से आर टी किया गया कार्य है, किया गया क्या है याद रहेगा ना, किया गया क्या है नोट करो फिर से एन ओ टी नोट। लिखो ओ महाराज यही W किस में बदल जाता है H में बदल जाता है, समझा कि नहीं? वो तो लिखा है ना यही किया गया कार्य चालक में किस में बदल जाएगा उसमें। तुम दौड़ा दौड़ा गर्म नहीं हो जाता है, समझ में? तुम गर्म जो अरे मान लो हीट नहीं हो जाता है, अब मान लो पहन लिया एक कपड़ा बोरा एकदम और दौड़ रहा है, फोड़ता है कि नहीं? का है शरीर में क्या पैदा हो जाता है हीट, तो हीट आया कहाँ से? खड़ा तुम कभी ऐसे है मान लो खड़े है, अरे खड़े खड़े गर्म हो गया हुआ है नहीं ऐसा थोड़ी होगा। मतलब अब धूप में खड़ा है तो अलग बात है, हम बोल रहे नॉर्मली अभी ठंडा का दिन है पहन लिया रूमवा में, तुम ऐसे खड़े खड़े गर्म हो जाएगा नहीं ना होगा, लेकिन बोला यही रूमवा में बोल रहे इसी रूम में अगर दौड़ेगा तो गर्म हो जाएगा कि नहीं? तो दौड़ा तो क्या किया, किया गया कार्य हुआ, समझा कि नहीं? तो कार्य करेगा तो किसमें बदल जाएगा उष्मा। तो इसी तरह यह चालक में पैदा होता है किसमें, समझा कि नहीं? किसमें पैदा होगा ये नहीं, अभी इंसान पे लगा दो H equal to I square RT, इंसान में कहां धारा प्रवाहित हो रहा है, समझा कि नहीं? बोलेगा तुम दौड़ेगा हीट पैदा होगा H equal to I square RT, गलत हो जाएगा। अरे भाई धारा चालक में पैदा होता है किसमें, समझा कि नहीं? हाँ तुम पे एक सटा देंगे तार धाई 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 करंट पास होगा, ऐसा समझ रहा कि नहीं? तब लगा देना H equal to I square, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी एक चालक की तरह व्यवहार करता है, तो करंट पास कराएगा तब ना। तो ये चालक के लिए, हम किसके लिए पढ़ा है चालक की, दौड़ रहा है और तो लगा मत देना उसमें गति ऊर्जा आएगा, क्यों जाएगा समझा कि नहीं? गति ऊर्जा के कारण हीट हो जाएगा। देखो नहीं तुम लोग जा, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगता है एकदम। लिखो P इक्वल टू जानता है ना, लिखो शक्ति, लिखो शक्ति P इक्वल टू W बाई T, नोट करके लिखो शक्ति यंत्र की शक्ति P इक्वल टू W बाई T। लिखो फिर से पढ़ा रहे हैं P का फॉर्मूला, क्या लाने से मतलब हमको नहीं बताओ तुम लोग जानता होगा। चलो देखो W इक्वल, देखो W हो गया, यहाँ देखो आप लग रहा है ये लोग एक्सपीरियंस होल्डर है ना, ठीक है W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी क्या था, किया गया कार्य, तो यहाँ कैपिटल T लिख देते हैं समझाने के लिए, बोलो हाँ ना P इक्वल टू W बाई कैपिटल T, क्यों कैपिटल T टाइम का बात कर रहे हैं, अरे किसका बात कर रहे हैं कैपिटल T, तो W की जगह क्या है मियाँ बोलो आई स्क्वायर आर टी डाल सकते हैं ना आराम से, यहाँ टी डाल देंगे यहाँ से, यहाँ कैंसिल, तो एक फॉर्मूला निकल के आया आई स्क्वायर आर, तो पी का एक यंत्र की शक्ति का एक और फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, समझ में आ गया? एक ये भी होता है, समझ रहा है ना, और भी होता है फॉर्मूला, इसे पढ़ाओगा टेंथ क्लास में कहाँ था मतलब तुम लोग पढ़ा के आए फिर टेंथ में, यदि सब नहीं पढ़ा तो जानता। देखो यहाँ ओम्स लॉ भी बताएं कि V is directly proportional to I, अरे बोलो हाँ है ना, V equal to R I, V equal to कितना होगा R I, यहाँ पे बोलो P
पी इक्वल टू, अरे बोला है ना, ए, समझ रहा है, या आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, वी बाय आर होगा कि नहीं होगा। इस आई का वैल्यू उठा के यहाँ डाल सकते हैं, तो अगर यहाँ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, वी बाय आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इंटू क्या होगा आर, तो पी इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू क्या होगा आर, एक से एक लुढ़क जाएगा तो पी इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाय आर। तो एक और फॉर्मूला होता है ये भी याद रखना, एक और होता है शक्ति का, समझा कि नहीं, मतलब यहाँ पे अगर किसी का मान लो किसी चालक से बने वाली धारा पता और प्रतिरोध पता है तो हम उसका शक्ति निकाल सकते हैं, अगर किसी का विभांतर पता है और प्रतिरोध पता है तो भी शक्ति निकाल सकते हैं, समझ में आ कि नहीं। क्वेश्चन आएगा इस तरह न्यूमेरिकल छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं आता तुम लोग का। देखो एक और देखा था, यहाँ आर इक्वल टू भी कितना हो जाएगा वी बाय आई, अरे बोलो हाँ ना, अरे आई इक्वल टू वी बाय आर, तो आर इक्वल टू कितना होगा वी बाय आई, यहाँ आर की जगह डाल सकते हैं तो पी इक्वल टू होगा बोलो वी स्क्वायर और आर की जगह डालेंगे तो कितना होगा वी बाय आई, वी से वी एक लुढ़क जाएगा और ये आई ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली एक और फॉर्मूला आया पी इक्वल टू वी आई। तो तीन फॉर्मूला यहां से याद रखना, कितना फॉर्मूला याद रखना, तीन लिखो यहां लास्ट में अतः करके लिख लेना, अतः क्या करके लिख लेगा, अतः अतः इक्वल टू कितना होगा पी इक्वल टू, ये मार्केट में ज्यादा फेमस है पी इक्वल टू वी आई है ना, फिर हाँ जो ज्यादा फेमस है लो एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग पर है ये, एको नहीं देखा है वो गाना आया है बच्चा लोग स्कूल में भी बना रहा है, क्या गाना का नाम है, अरे बाप रे पगला गया एकदम पतली कमर पे है गज्जा एकदम सब कोई, हम तो देखे एक दो पूरा शॉर्ट खोल के बना रहा है लड़का लोग चलो ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला जैसे डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलेगा किस चार को ऑप्शन देगा यंत्र की शक्ति होती है और चारों ऑप्शन दे दिया, कभी ये वाला दे देगा कभी ये वाला दे देगा कभी ये वाला दे देगा, समझा ना, एक देगा तो ध्यान रखना तीनों कौन कौन होता है, ठीक है। चलो एक और जो पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो क्लास टेंथ का था, ठीक है, पीछे वाला एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ना है, लिखो हाँ इलेवन का लिखो सवाल लिखो, अब जो पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट है, वी वी आई करके लिख लो, वी वी आई आई इटो पढ़ना ही पढ़ना है ना, ये सब नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, हाँ कल लिख लेना तुम जाओ, चलो हो गया, लिखो लिखो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम क्या है, समझावे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम क्या है समझावे, लिखा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम क्या है समझाएं, समतुल्य प्रतिरोध नहीं पढ़ाता तुम लोग तो उसी तरह समतुल्यता लिखो, ता खाली जोड़ दो, समतुल्य तो लिखने जानता ही है, लिखा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम, अरे समतुल्य मतलब इक्वेलेंट होता है, इक्वल होता है समतुल्य है ना, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम क्या है समझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला, यहां से एक आता ही आता है क्वेश्चन, क्या कहता है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम, गौर से सुना, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम कहता है कि हाँ मास एनर्जी इक्विवेलेंट, क्या बोलते बोलो मास एनर्जी इक्विवेलेंट, इंग्लिश से बोलते छोड़ो ना इंग्लिश, तुम लोग क्या करें इंग्लिश, हाँ तो लिखो मास एनर्जी इक्विवेलेंट, लिख लो ब्रैकेट में मास
एनर्जी, हाँ एनर्जी इक्विवेलेंट, मास एनर्जी इक्विवेलेंट, ये किसका थियोरी है? तो आइंस्टाइन का थियोरी है, तुम लोग को याद भी होगा, बोलो हाँ है ना, तुम लोग पढ़ा होगा ना इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा होगा, एक दुगो चाय का दुकान में रहता है मिल्क गुने कॉफी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, एम सी स्क्वायर नहीं पढ़ा, इक्वल टू क्या होता है, तो यही पढ़ना है, क्या पढ़ना है बोलो, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका प्रूफ यहाँ नहीं मिलेगा, इसका प्रूफ बी एस सी में करना है आगे जाके, बीएससी जब करेगा तो करेगा तो। चलो मास एनर्जी इक्विवेलेंट का नियम क्या कहता है, आइंस्टाइन साहब कहते हैं, कौन कहता है बाबू, आइंस्टाइन, नाम तो सुना होगा गर्जना, नाम सुना होगा, ये इक्वेशन भी सुना होगा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सुना है कि नहीं, कहता है कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान एम है, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान तो उसके समतुल ऊर्जा, उसके समतुल मतलब कहने का सिंपल सा बात बोलता, अगर किसी पिंड के पास द्रव्यमान है तो उसके पास ऊर्जा होगी, उसके पास ऊर्जा होगी, तो बोला कि कितना ऊर्जा होगा, तो आइंस्टाइन साहब आए बोले इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लो बोला इतना ऊर्जा होगा, बोला समझ में आया, बोले सर नहीं समझा, बोला एम जो है किसी पिंड के पास अगर द्रव्यमान है, अगर क्या है, तो उसके पास ऊर्जा होगा ही होगा, उसके पास ऊर्जा तो बोला कितना ऊर्जा होगा, तो बोला इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब अगर किसी पिंड का द्रव्यमान है तो एम, और जब उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या करेंगे, हॉल स्क्वायर के साथ गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तो उसका एनर्जी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बोलो, एनर्जी, लिखो लिखो पहले लिख लो फिर समझा देते, लिखो लिखो, आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार जल्दी लिखो, हाँ आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार लिखा, आइंस्टाइन के अनुसार मिटा देते इसको, लिखा ना, आइंस्टाइन के अनुसार यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, लिखा यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, तो इसके समतुल्य ऊर्जा, इसके समतुल्य ऊर्जा, तो इसके समतुल्य ऊर्जा लिखा, इसके समतुल्य ऊर्जा लिखो इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है, लिखा कि नहीं, इक्वल टू क्या होता बोलो, एम सी, नीचे लिखो इसीलिए इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ना, समतुल्य ऊर्जा करके, समतुल्य ऊर्जा करके लिखा, लिखो समतुल्य ऊर्जा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लिखो जहां, लिखा कि नहीं, जहां स्मॉल एम इक्वल, लिखो पिंड का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, एम इक्वल टू क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, एम इक्वल टू क्या है बोलो, वस्तु का द्रव्यमान, एम इक्वल टू क्या लिखा बाबू, जल्दी बोलो, वस्तु का द्रव्यमान, बहुत अच्छा लिखा ना, एम इक्वल टू क्या लिखा, वस्तु का द्रव्यमान, और सी इक्वल टू लिखो, सी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, सबको पता है 3 × 10^2 क्या होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10^2 क्या होता है, समझ में आ गया, तो इस फॉर्मूला से हम किसी पिंड का क्या निकाल सकते हैं बोलो, द्रव्यमान सॉरी ऊर्जा निकाल सकते हैं, याद रखना ये टर्म, अब एक न्यूमेरिकल देते तो समझ में आएगा, फेमस क्वेश्चन देते जो मार्केट में फेमस है, जो ट्रेंडिंग पर है, बस समझ में आ रहा कि नहीं, लिखो लिखो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, लिखो या फिर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, जल्दी लिखो, हाँ घर से कहे अभी तुरंत बना देते हैं हम, तो लिखो इसको पूरा उतार लिया ना बढ़िया से, एम क्या है बोलो, द्रव्यमान है, मास है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, लिखो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, लिखा
यदि किसी वस्तु का, लिखो m इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 27 केजी, लिखा ना, ये मार्केट में फेमस है। लिखो लिखो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 27 केजी है तो इसके समतुल्य ऊर्जा क्या होगी, इसके समतुल्य ऊर्जा क्या होगी, इसके समतुल्य क्या होगा बोलो, ऊर्जा। देखो हम सॉल्व करके बता देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। हम लोग को पता है m दिया है कि नहीं दिया है, 1.67 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 27 के जी बोला है ना। c भी पता है हमको, 3 इंटू 10 टू डी पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड, क्या होता बोलो, पर सेकेंड, इसके समतुल्य ऊर्जा यही ना, अरे बोलो है ना, तो सीधे हम लोग लाएंगे समतुल्य ऊर्जा, अरे बोलो बाबू समतुल्य ऊर्जा, समतुल्य ऊर्जा क्या होगा बाबू, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन साहब तो यही बोलते हैं, तो सीधे बोला इक्वल टू एम के जगह डालेंगे 1.67 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 27 के जी, अरे बोलो है ना, और सी का वैल्यू कितना डालेंगे बोले सर 3 इंटू 10 टू डी पावर 8 इसका होल स्क्वायर। अब तुम लोग को हम एक काम देते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व करना, क्या करना, क्या करना, कर पाएगा ना, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, समझ में आ गया, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर जो है, गौर से सुनना, इसका आंसर जो आता है इलेक्ट्रोवोल्ट में एग्जाम में पूछता है ना, तो इसको जब सॉल्व करेगा नीचे डॉट डॉट करेगा ना, इतना मोबाइल से जाके कुछ सी से कर लेना यार, हाथ से वगैरह से नहीं तो डायरेक्ट याद रखना, इतना तो सकेगा ही। 931 कितना आता है, 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। अब इतना तुम लोग नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, ठीक है, कितना आता बोलो, 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। इस क्वेश्चन के आंसर याद रख लो, नहीं कर पाएगा कैलकुलेट करना, कोशिश करना जाके, नहीं तो नेक्स्ट, हाँ बाबा आएगा आएगा, तुम चिंता मत करो, एकदम आएगा आंसर, समझा कि नहीं, हाँ हम तो लिखे हैं तो क्या गलत लिखे हैं, उसको डाउट लग रहा है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना, हम इलेक्ट्रोवोल्ट का वैल्यू बता देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, इलेक्ट्रोवोल्ट का वैल्यू किसमें बोलो, इलेक्ट्रो वन इलेक्ट्रोवोल्ट, सुनो एग्जाम में पूछता है ये भी, वन इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 19 जूल होता है, याद रखना, समझ में आ गया, वन इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 19 जूल होता है, याद रखना, ठीक है, कैलकुलेट करना। मेगा का मतलब पता है सबको, 10 टू डी पावर 6 कल पता रहे, चलो इसका डायरेक्ट याद रख लेना, ये फिर इसको सॉल्व करना नीचे, इधर घर में जाके इतना करना, हमको नेक्स्ट क्लास दिखाना कैलकुलेट करके, ठीक है, या तो 931 आएगा, देखो कैलकुलेट करेगा, हो सकता है, सुनो हो सकता है तुम लोग का आ जाए इतना 939, तो कंफ्यूज मत हो, आसपास अप्रोक्सीमेट है, क्या है बोलो, क्या बोले, सुनाई दिया, हम कैलकुलेट किए हैं ऑलरेडी, हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो 939 आ रहा, हो सकता है तुम लोग का भी आ जाए, कितना आ जाए, तो कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या है, अरे करीब करीब नहीं है क्या, लेकिन टिक हमेशा यही मारना ऊपर वाला, समझा कि नहीं, टिक कौन वाला मारेगा, कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है 939 आ जाए, कितना आ जाए, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट समझो ना, करीब करीब, चलो ठीक है, चलो आज के लिए ये चैप्टर खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन, क्या पढ़ेंगे, टक्कर, क्या पढ़ेंगे बोलो, टक्कर, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे टक्कर, आइए इतने रखो, चलो।